हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, कई लोग सोचते हैं कि जो गमलों में ग्रो बैग्स में प्लांट लगते हैं वो इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं देते हैं। एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, फिर उनके फ्लावर्स और फ्रूट का साइज़ भी छोटा रहता हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक होगा वो उन्हीं प्लांट्स पर लागू होगा जिनका कि ग्रोइंग सीजन चल रहा है। जो प्लांट ग्रो कर चुके हैं, जैसे कि हमारी भिंडी है, करेला है, तरोई, निनुआ, ये सब हैं, अब इनके ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो रहे हैं, तो इन पर ये बात लागू नहीं होगी। अब इसे ये वाला मेरा मिर्च का प्लांट है या बैंगन का प्लांट है जो कि लास्ट ईयर का रहता है, तो उसमें दोस्तों ये है, जैसे इसमें अब रेनी सीजन से फ्रूटिंग चालू हुई है, तो अगर हम चाहते हैं कि विंटर भर चालू रहे तो मुझे इसके संग क्या करना होगा वो हम बताएंगे। इसका देखिए ग्रोइंग पीरियड अब विंटर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो देखिए, जब प्लांट को जो भी एनर्जी प्लांट जो है सनलाइट से लेता है या फिर जो हम लोग खाद वगैरह डालते हैं उसको जितनी एनर्जी हम लोग डालते हैं वो एनर्जी दोस्तों ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के रूप में हम लोग को देता है। हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी हम लोग के अंदर चली जाती है। तो जब इसने फ्रूटिंग दे दिया है, हम लोगों ने उसको हार्वेस्ट कर लिया है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात कि प्लांट के अंदर एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें दोबारा से उसको एनर्जी देनी होगी। एक तो टाइमली इसको हार्वेस्ट करके प्लांट की जो है एनर्जी को सेव करना होता है। अब ये वाली देखिए मिर्चें बहुत दिन से लगी हुई हैं, लाल हो गई हैं, तो प्लांट की काफ़ी एनर्जी इन्हीं को रेट करने में चली गई है, थोड़ा सा वेस्ट हो गई है। तो अब जितनी एनर्जी इसकी डिप्लीट हुई है, कम हो गई है, हमें इसको रिटर्न करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कर रहे हैं हम कि देखिए इसमें मेरे जो प्लांट है, इसमें मेरा तो लास्ट ईयर का, दूसरा इसमें दूसरे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं, तो उन प्लांट्स की भी कटाई छटाई करनी है। अगर उसको हम हटा नहीं सकते तो मैं उस प्लांट को भी काट छाट करके उसकी ग्रोथ लिमिटेड कर दूंगी। साथ में मिर्च के जो प्लांट है या कोई भी आपका फ्रूटिंग प्लांट है जिसने कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेम में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग दे दिया है दोस्तों, तो आप जो है उसकी भी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन इधर पर लाइट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। कोई भी प्लांट अपने फ्लावरिंग स्टेज में हो या फिर फ्रूटिंग स्टेज में, तो उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करी जाती है। प्लांट में अक्सर होता है कि जैसे एक डाली में अगर उसने काफ़ी सारे फ्रूट्स दे दिए हैं तो कुछ नई ग्रोथ करती है, फिर नई ग्रोथ में फिर से फ्रूट्स आते हैं। अगर आपने उनको कायदे से उसको खाद पानी दे दिया है तो फिर फ्रूट आते हैं। तो इस डाली की आप कटाई छटाई करके थोड़ा सा उसकी ग्रोथ कम कर दो ताकि उसमें से नई जो ग्रोथ निकलेगी वो तेज़ी से बढ़े। सेकेंड स्टेप में आप जो है उसकी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर सकते हैं, अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो। वैसे तो मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट रहती है, लेकिन इस वाले गमले की काफ़ी हार्ड हो गई है, तो मैंने गुड़ाई करके थोड़ा सा उसमें एयरेशन करा है। एयरेशन करने के बाद, गुड़ाई करने के बाद हवा थोड़ी जाती है, रूट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है जो उस प्लांट की रिक्वायरमेंट रहे। मैं यहाँ पर जो हूँ बर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, आप जो है कंपोस्ट या फिर गोबर खाद भी डाल सकते हैं, बोन मिल है तो वो भी डाल सकते हैं, राख यानी कि पोटैश की भी मात्रा चाहिए, तो मैं पोटैश की मात्रा अभी इस लकड़ी को जला करके निकालूंगी। अभी जो है बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पर, तो मैं अभी जलाने वाला काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही हवा बंद होगी मैं उस लकड़ी के टुकड़े को जलाऊंगी। जब वो ठंडी हो जाएगी राख, तो मैं अपने एक मुट्ठी राख जो है मैं इसी में डालूंगी। साथ में जो भी काटा छांटा है वो इसमें एज अ मल्चिंग में कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट है, उसमें जो है नमी मॉइस्चर बना रहे मिट्टी में, तो ढक दे रहे हैं। कुछ समय बाद ये सब सूख जाएंगी, हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी बहुत तेज़ है। ये जो मिर्चियाँ हैं ये प्लांट की एनर्जी है दोबारा से, तो उसको प्लांट को जो आपने लिया है उसको रिटर्न करना है। इन मिर्चियों में कुछ में मैंने जो था अपना रेड चिली सॉस बनाया थोड़े में से का, तो दोस्तों ये है, ये कैसे बना है इसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल व्लॉग्स बाय विजया में शेयर करी है। अगर आपको देखना है तो लॉ ऑफ रिटर्न को ज़रूर फॉलो करिए। आप जो भी मिट्टी से ले रहे हैं उसको रिटर्न करके ज़रूर दीजिए, तो आपको कंटिन्यूस हार्वेस्ट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।